हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विदिशास इंडियन किचन में। आज हम बनाएंगे चाइनीज पास्ता, जो कि बहुत ही कम चीज़ों से बहुत ही जल्दी बन जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसे किसी पार्टी में बना सकते हैं या फिर ऐसे भी खाने का मन करे तो बना के खा सकती हैं। ये बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं चाइनीज पास्ता। तो चलिए हम देख लेते हैं हमें पास्ता बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। हमने ये 500 ग्राम पास्ता ले लिया है, इसे मैक्रोनी भी कहते हैं। आपके पास जो शेप अवेलेबल हो आप वो पास्ता ले सकती हैं। ये लहसुन, इसे हमने बारीक काट के रख लिया है। रिफाइंड ऑयल, आप चाहें तो कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकती हैं। टोमेटो केचप, काली मिर्च का पाउडर, सोया सॉस, विनेगर, ग्रीन चिली सॉस, स्वाद अनुसार नमक, बारीक कटी हुई प्याज और बारीक कटा हुआ गाजर, और एक चम्मच हमने लिया है कॉर्न फ्लोर। तो देखा आपने, इसे बनाने के लिए हमें बिल्कुल बहुत ही कम चीज़ों की ज़रूरत है। बहुत ही कम चीज़ों में बहुत ही टेस्टी बन जाएगा चाइनीज पास्ता। हम इसे अब बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने एक गैस पे एक भगोना रखा है, उसमें 3 लीटर पानी डाला है। अब इसे हम गर्म करेंगे। पानी हमारा गर्म हो रहा है, तब तक हम इसमें डाल देते हैं रिफाइंड ऑयल। इससे हमारा पास्ता चिपकेगा नहीं, बहुत अच्छे से उबल जाएगा, और थोड़ा सा नमक। इस पानी को ढक के हम इसमें बबल्स आने तक उबाल लेंगे, उसके बाद इसमें हम पास्ता डालेंगे। चलिए देख लेते हैं, हमारे पानी में उबाल आ चुका है। अब हम इसमें पास्ता डाल देते हैं। पास्ता डाल के हम इसे एक बार चला देंगे और इसे तब तक पकाएंगे जब तक पास्ता अच्छे से पक ना जाए। पास्ता जब ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और अच्छे से टूटने लगेगा तो तब हम इसे उतार के इसका पानी निकाल के इसे ठंडे पानी से धो लेंगे। और ध्यान रखें पास्ता को ओवर कुक नहीं करना है, नहीं तो पास्ता टूट जाएगा सारा। पास्ता को अच्छे से पका लेते हैं। देखिए पास्ता हमारा अच्छे से पक चुका है। इसे हम काट के एक बार चेक कर लेते हैं। ये बहुत आराम से कट रहा है, पास्ता अच्छे से पक चुका है, इसे ओवर कुक नहीं करना है। अब हम इसका पानी निकाल के और ठंडे पानी से धो के साफ कर लेते हैं इसे अच्छे से। पास्ता हमारा अच्छे से उबल गया है, इसे हमने इसका पानी निकाल के ठंडे पानी से धो के इसे साइड में रख देते हैं और बाकी की तैयारियां कर लेते हैं पास्ता बनाने के लिए। हमने एक बड़ी कढ़ाई ले ली है, इसे हम अच्छे से गर्म करेंगे। कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है, हम इसमें डालेंगे रिफाइंड ऑयल। इसमें तेल थोड़ा ज्यादा पड़ेगा, तेल को अच्छे से गर्म करेंगे। 5 से 6 चम्मच रिफाइंड ऑयल इसमें हमने दे दिया है। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम इसमें तड़का लगा देते हैं। इसमें हम सबसे पहले डालेंगे ये लहसुन, लहसुन को हल्का सा भून लेंगे। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। हम
इसमें हमें प्याज को बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, इसे हम हल्का सा भूनेंगे। हम इसमें प्याज थोड़ा सा भून जाएगा, उसके बाद हम इसमें गाजर डालेंगे। प्याज हमारा हल्का सा भून चुका है, अब हम इसमें डाल देते हैं कटी हुई गाजर। अब हम सबको अच्छे से भून लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड कर देते हैं ताकि ये जल्दी से पक जाए। गाजर को अच्छे से पकने तक इसे भूनेंगे। प्याज टमाटर हमारा सॉरी प्याज और गाजर हमारा अच्छे से भून चुका है। अब हम फ्लेम को थोड़ा लो कर देंगे। इसमें डालेंगे थोड़ा सा ब्लैक पेपर। एक बड़ी चम्मच डार्क सोया सॉस, एक बड़ी चम्मच विनेगर, आधी चम्मच ग्रीन चिली सॉस, दो बड़ी चम्मच टमाटो केचप, और ये होममेड शेजवान चटनी है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, हम इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर देंगे। दो चम्मच शेजवान चटनी, अब इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। एक मिनट तक भून लेंगे इसे। अब हम इसमें ये मैक्रोनी मिला देते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। हमने इसमें नमक अभी तक नहीं डाला है, अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देते हैं। अब फ्लेम को हाई करके इसे एक मिनट तक अच्छे से भुनेंगे ताकि पास्ता में अच्छे से मसालों का टेस्ट आ जाए। बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम चीजों से बन जाती है। अगर आप चाहें तो अपने मनपसंद कोई भी सब्जी इसमें डाल सकते हैं, हमने इसमें सिर्फ गाजर ही डाला है। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, खाने में बहुत ही अच्छी लगती है ये, बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। एक मिनट तक इसे अच्छे से भुनेंगे चलाते हुए, नहीं तो तले में लगेगा। हमारा चाइनीज पास्ता तैयार हो चुका है। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।